સુરતમાં શ્વાનનો આતંક રોજેરોજ સામે આવે છે ત્યારે અલથાણમાં પાલતુ શ્વાને બેંક કર્મીના પુત્ર પર હુમલો કર્યો છે અંગે કહેવા જતાં બાળકના પિતા પર પણ હુમલો કરાતા પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ। सूरत शहर में पालतू श्वान नो आतंक जोवा मळ्यो हतो। अलथाण खाते बैंक कर्मचारी ना पुत्र पर श्वाने हमलो कर्यो। बाळक सोसायटी नी लिफ्ट में पिता साथे हतो ते समय लिफ्ट में थी बहार निकलता ज अचानक सोसायटी में रहता परिवार ना पालतू श्वाने बाळक पर हमलो कर्यो। श्वान में हमला में बाळक ने गंभीर इजाओ पहोंची हती। बाळकना पगे इजाओ पहोंचता सारवार माटे हॉस्पिटल में खसेड़वामां आव्यो। बाळकना माता पिता श्वान ना मालिक ने समझावा जता श्वान ना मालिके मारामारी करी जेने लई बाळकनी माताए श्वान ना मालिक विरुद्ध पोलीस मथके અરજી આપી અને અરજી નોંધાવી છે। જી સર, એક કઈ સ્વાને અટેક કર્યો છે બાળક પર અને કઈ ઘટના ભી બની હતી જબાલત શું હકીકત છે? જી, ગઈ તારીખ 2 ઓક્ટોબર 2024 ના રોજ સ્વપ્નભૂમિ એપાર્ટમેન્ટમાં એક પિતા પુત્ર લિફ્ટમાંથી ઉતરતા હતા દરમિયાન પાલતુ સ્વાને પિતા તથા દીકરા પર હુમલો કરેલાનું પ્રાથમિક રીતે જણાઈ આવેલ જે મતલબની ભોગ બનનારે રજૂઆત કરતા અલથાણ પોસ્ટે ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે અને તેમાં ત્રણ જણા વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવેલ છે। પોલીસ કાયદેસરની તપાસ કરી રહેલ છે અને ચાલુ તપાસ છે। તપાસ દરમિયાન એવું પણ ધ્યાને આવેલું છે કે પાલતુ કૂતરા દ્વારા ભોગ બનનારને રેલમાં બાઇટ કરવામાં આવેલા છે જે બાબતે આ પ્રકારની ફરીથી હરકત ન થાય તે માટે ભોગ બનનારે ગુનો દાખલ કરાવેલ છે અને કાયદેસરની તપાસ અલથાણ પોલીસ કરી રહેલ છે। સ્વપનભૂમિ સોસાયટી વેસુમે રહેતી હું। 2 તારીખ के दिन मेरे हस्बैंड बच्चे को बाजार लेके गए थे। जैसे ही लिफ्ट में वो वापस आ रहे थे पड़ोसी के कुत्ते ने एकदम से बहुत भयंकर मेरे बच्चे पे अटैक करा जिससे कि उसको काफी नाखून और दांत वगैरह लगे हैं पैर में। बीच बचाव के दौरान मेरे हस्बैंड ने जब उसको बीच बचाव करा तो मेरे हस्बैंड को भी जो है नाखून वगैरह लगे हैं। स्थिति ऐसी बन गई थी कि बच्चे को एकदम से हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी। मैं जब पड़ोसियों के घर गई कि आपने अपना डॉग जो है खुला छोड़ा हुआ है, बजाय इसके कि वो लोग माफी मांगे बोलने लग गए कि आपका बेटा जो है घर के अंदर घुसा था इसलिए जो है उसने डॉग के साथ में छेड़खानी की इसलिए जो है हमारे जो कुत्ते ने है उसको बाइट किया है। और जो उनके घर में मौजूद थे आदमी उन्होंने काफी बदतमीजी की, हाथ उठाने की कोशिश की, बहुत छीना झपटी हुई। उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन में 100 डायल किया था। हमने 100 डायल किया के हम जब अलथान पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस में बोला कि आप पहले बच्चे को हॉस्पिटल ले जाओ क्योंकि ब्लड काफी निकल चुका था बच्चे का। हम लोग आनंद हॉस्पिटल गए थे जिसमें डॉक्टर ने बताया कि बहुत सीवियर इंजरी थी उसको, टाइप सी का कट था, दांत काफी अंदर जा चुका था। इमिडिएटली जो भी इंजेक्शन वगैरह थे उसको दिए गए और अभी वो इंजेक्शन 1 महीने तक चालू ही रहेंगे। उसके बाद हम लोग इस घटना का जो है अपनी शिकायत लेके जो है कमिश्नर साहब के पास गए थे, विजय गज्जर जी के पास गए थे जिन्होंने एकदम से तुरंत ही हमारी सुनवाई की, बहुत पॉजिटिव हमको रिस्पांस दिया और एकदम से अलथान पुलिस स्टेशन को जो है इमिडिएटली FIR करने के लिए बोला गया। तो बच्चा बड़े आदमी के साथ था इसलिए उसका थोड़ा बहुत जो भी बचना था उसको बच गया। किसी का भी बच्चा है, सोसाइटी में अकेला आता है जाता है, बच्चे खेलते हैं, काफी जो है भयानक इंजरी हो सकती है बच्चों के साथ में इस तरह से अगर अटैक कोई भी डॉग करेगा। और ये एक बहुत ही शर्म की बात है कि एक छोटे से बच्चे को जो है झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि वो घर के अंदर घुसा। अपनी गलती को स्वीकारने के बजाय बच्चे के ऊपर झूठा आरोप लगाना, किसी भी महिला के साथ में बदतमीजी करना, उसको गाली देना, उसके साथ में धक्का मुक्की करना, ये बहुत शर्मनाक अपराध है। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, CCTV सामने है जो ये लोग कह रहे हैं बच्चा घर में घुसा है, सब लोग देख सकते हैं कि CCTV में भी उस डॉग ने कैसा अटैक करा है। तो गलती को स्वीकारना चाहिए, ना कि झूठ बोलना चाहिए किसी के लिए भी। ब्यूरो रिपोर्ट, S9 न्यूज, सूरत। अमारी तमाम माहिती थी अपडेट रहवा माटे जोड़ायेला रहो S9 न्यूज साथे।